हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वॉइस में। आज का टॉपिक है फर्स्ट स्टेप्स इन प्लानिंग। तो प्लानिंग के बारे में पोजीशन है और हम देखने जा रहे हैं कि एक्स्ट्रा मटेरियल को हम कैसे विन में कन्वर्ट करें। तो ये पोजीशन है हमारे पास, ये पोजीशन है ब्लैक टू प्ले और हम देखने जा रहे कि प्लानिंग किस तरह से करना चाहिए, कौन से फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हम पोजीशन देखते ही पता चल रहा है कि ब्लैक जो है पॉन अप है और डेवलपमेंट में थोड़ा सा इस वक्त पीछे है। ये पोजीशन जो है ओपनिंग के जस्ट बाद आया है और पर हम इसको एंड गेम की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ चार पीसेस बच गए। काफी बार स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि कैसे समझेगा कि अब एंड गेम है, तो मैं कहता हूं कि जनरली जब चार पीसेस बच जाए और उसमें क्वीन ना हो तब उसको एंड गेम की तरह समझ सकते हैं। हालांकि ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है पर इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। मैक्सिमम केसेस में जो है ये क्राइटेरिया जो है कंडीशन जो है ये चल जाएगा। यहाँ पे ब्लैक क्या चाहता है, प्लानिंग मतलब क्या, सबसे पहले देखते हैं। प्लान यानी कुछ आइडिया करना, टैक्टिक्स जैसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज ऑफ फोर्स मूव्स। ऐसे ही मैं कहता हूँ प्लान जो है वो सीरीज ऑफ अनफोर्स मूव्स है कि हम ऐसे 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 करके एक प्लान बनाए, आइडिया करें जिससे पीसेस जो है हमारा इम्प्रूव हो, तो अच्छा पीस और अच्छा बने और जो खराब पीस है उसका जो प्लेसिंग है वो इम्प्रूव हो। तो यहाँ पे C8 के बिशप का प्रॉब्लम है तो ब्लैक चाहता है कि सबसे पहले उस C8 बिशप को फ्री किया जाए। तो यहाँ पे ब्लैक का जो सबसे ऑब्वियस मूव था वो था E5 और उसने खेला भी, इसके वजह से वो रुकियट आया था। तो जो पॉन अप है वो चाहता क्या है, कुछ पीसेस एक्सचेंज हो सकता है एक या दो पॉन एक्सचेंज हो, इस केस में तो जरूरी भी है वरना बिशप फ्री नहीं होगा। तो ब्लैक ने खेला E5। अभी बिशप टेक C5 करने से जो व्हाइट प्लेयर है वो पूरा चीज जो ब्लैक के हाथ में दे देगा। नाइट टेक C5 D Rook E5 रुक एक्टिव हो जाएगा, नाइट और बिशप ट्रेड हो जाएंगे, तो जितना एक्सचेंजेस होगा उतना ब्लैक का काम इजी होगा। तो व्हाइट ने खेला D टेक C5, उसको Knight E5, फिर से Bishop E5 को सेम प्रॉब्लम। तो यहाँ पे व्हाइट ने खेला Rook E1, ये मूव ऑफकोर्स मिस्टेकन है, Rook D1 पे लाना चाहिए था, D5 को कंट्रोल करना चाहिए। अभी लोग क्या होता है, इधर Rook D1 को BG4 देख के डर जाते हैं पर इस केस में F3 करना पॉसिबल था। उस केस में भी ब्लैक जो है शायद बिशप G4 का हटा के E6 या F5 कर सकता था। Rook E1 के पीछे आइडिया जो है शायद बिशप F5 को E4 करके अटैक करना था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, इसमें अगर आप ब्लैक हो तो आप क्या खेलोगे, अपने मूव के साथ जो गेम में खेला गया मूव है उसको जरूर कंपेयर करें। अब ब्लैक ने जो सोचा कि बिशप ट्रेड होना चाहिए, अगला नंबर बिशप का है, तो उसने यहाँ पे जो मूव है वो किया Bishop E6। पर इसमें देखिए देखने से ही लग रहा है Bishop E6 ब्लंडर है, E5 का नाइट जो है चला जाएगा। छोटा सा कैलकुलेशन है, दो इंटरेस्टिंग वेरिएशंस है। इससे हम ये भी देख सकते हैं कि मास्टर्स कैसे पोजिशनल आइडियाज को फुलफिल करने के लिए टैक्टिक्स का यूज करते हैं। जैसे देखिए B6, उसको Bishop E5, उसको Bishop takes B3, A takes B3 को Re5, सारे जो माइनर पीसेस से एक्सचेंज हो गए। B3 का पॉन थोड़ा वीक हो गया, Rook B5 से अटैक होगा और ब्लैक के पीसेस फ्री भी हो गए, तो उसमें विन करना काफी इजी होगा। फोर्स विनिंग नहीं है पर इससे अभी से इजी हो जाएगा। तो ब्लैक ने नेक्स्ट वेरिएशन देखा BE6 को BE5, उसको BB3, उसको देखिए दोनों के बिशप हैंगिंग है, तो Bishop takes G7, इस वेरिएशन को काफी लोग मिस करते हैं। अब अगर KG7 किया तो AB, तो जो एक्स्ट्रा पॉन था वो चला जाएगा, पर ब्लैक प्लेयर ने देखा था कि Bishop into G7 को BB3 करेगा और यहाँ पे तीनों जो पॉन्स है वो फ्री हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, Bishop E6, Bishop takes E5, Bishop B3, Bishop takes G7 और उसको Bishop A2, तीनों पॉन्स पासर बन गए। यहाँ पे किंग साइड पे थोड़ा सा डैमेज हो गया, केयरफुल रहना पड़ेगा रुक शिफ्ट होने से कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन एंड गेम है तो एफ पॉन इधर से किंग के लिए F7 पे जगह बना ही सकता है। और ये तीनों पासर्स होने की वजह से क्या हो गया, ऑपोजिट कलर्ड बिशप्स को काफी लोग डरते हैं, सोचते हैं पोजीशन ड्रॉन हो जाएगा। सबसे पहली बात, ऑपोजिट कलर्ड बिशप्स में ड्रॉन तभी होगा जब रुक्स नहीं होंगे या और कोई माइनर पीस नहीं होगा, तभी ऑपोजिट कलर्ड बिशप्स का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। दूसरा, पॉन स्ट्रक्चर में इम्बैलेंस है, यानी कि सेम साइड पे पॉन्स नहीं है, अलग अलग साइड में, तो पासपॉन होने से भी क्या होता है, ऑपोजिट कलर का जो फैक्टर है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। इस केस में तो ब्लैक के पास तीन पासर्स है, बहुत ही जल्दी वो इन पॉन्स को पुश करके देखते हैं क्या करेगा। अभी बिशप अटैक था तो उसने खेला BD4,
फ्लैग ने खेला बिशप है, बिशप हटा लिया ताकि पॉन्स पुश कर सके, और यहाँ पे व्हाइट ने खेला रुक सी थ्री। ऑफकोर्स बीजी टू मारने का तो आइडिया ही नहीं था, बीजी टू को रुक जीवन आएगा और बिशप जो है चला जाएगा। ब्लैक का मेन फोकस है कि यहाँ पे पॉन्स को किस तरह से पुश किया जाए, और कभी भी बिशप जब ऑपोजिट कलर का हो या फिर बिशप वर्सेस पॉन्स ऐसा पोजीशन हो तो पासर बनाने का एक टेक्निक होता है, वो प्लान मैं यहाँ पे आपको भी बता देता हूँ। बिशप सपोज इधर डार्क स्क्वायर पे, तो पॉन्स जो है हमारे तीन में से कम दो पॉन हम कोशिश करेंगे कि वो भी डार्क स्क्वायर पे है, और फिर हम पॉन को एक को व्हाइट पे करें, फिर दो को हम डार्क स्क्वायर पे करें, क्योंकि ओपोनेंट का बिशप डार्क स्क्वायर है। अगर हमने इस तरह का होल बना लिया ऑपोजिट कलर में रख के, जो ज्यादातर प्लेयर सोचते हैं, इससे क्या होगा, हमारे पॉन्स जो है मरेंगे नहीं बिशप से, तो बिशप आके इस तरह से बैठ जाएगा और देखिए आगे के स्क्वायर सारे जो है पॉन के कवर हो जाएंगे, और विन करना बहुत मुश्किल है, पासर्स आगे नहीं बढ़ेंगे, कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से जो है ब्लैक प्लेयर ने यहाँ पे खेला बी सिक्स का आइडिया सी फाइव है। यहाँ पे ई फोर इंटरेस्टिंग था, पर आप देख सकते हो ई फोर को बिशप ई फोर गुड मूव, रुक जी थ्री को बीजी सिक्स बीच में आएगा, और आप देखोगे इमीडिएटली कुछ नहीं हो रहा, नहीं तो रुक जी थ्री बहुत डेंजरस होता अगर यहाँ पे बिशप बीच में नहीं आता तो। तो अब सी फाइव का थ्रेट था, व्हाइट ने रुक हटा लिया ए थ्री पर, सी फाइव बिशप बी टू, और अब तीन पॉन्स देखिए फिर से ए फाइव ब्लैक स्क्वायर्स पे रख रहे हैं ताकि ब्लॉकेड नहीं बन जाए, यानी कि ब्लॉकेड यानी पॉन्स जब मूव नहीं हो पाते सामने आके उनके पीस बैठ जाता है। दूसरा बेनिफिट क्या है ऑपोजिट कलर बिशप में, ओपोनेंट के बिशप के कलर में पॉन्स रखे और सामने का स्क्वायर अगर ब्लॉक करे तो हमारा बिशप उस स्क्वायर पे अटैक कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर रुक ए फोर करे तो यहाँ पे बिशप सी सिक्स का आइडिया यूज कर सकते हैं, तुरंत नहीं क्योंकि रुक जी फोर चेक कर रहे, तो रुक ए फोर को हम इधर रुक ई फोर या पहले सी फोर उसके बाद बी फाइव, और ये पॉन्स देखेंगे हम कि बाय फोर्स जब दूसरा पॉन ऑपोजिट कलर में जाएगा तब हम दोनों पॉन्स को भी अलग कलर में यानी कि अपने बिशप के कलर में कर सकते हैं। ओपोनेंट ने खेला बिशप सी थ्री, आइडिया क्या है बी फाइव होगा, अब ए फाइव हैंगिंग हो जाएगा, यहाँ पे सी फोर थोड़ा प्रीमेच्योर है क्योंकि फिर सी फोर ए फोर करने से देखो ये डार्क स्क्वायर्स पे ब्लॉकेड होगा, बी फाइव बी फोर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ब्लैक ने खेला ए फोर, अब उसने देखा कि बी फाइव को फोर्स जा रहा है इसीलिए ए फोर खेला, उसको रोकने का ट्राई किया व्हाइट ने रुक बी वन से, और यहाँ पे ब्लैक रुक बी एट कर सकता था, काफी लोग रुक बी एट सजेस्ट करते हैं, पर रुक देखिए बिशप ई फाइव रुक बी सेवन बी डी सिक्स, तो यहाँ पे और मेहनत करना पड़ेगा, पहले इस बिशप को भगाना पड़ेगा और फिर ही बी फाइव हो जाएगा। इस केस में हो भी सकता है जैसे कि आइडिया है रुक डी एट बिशप को भगा दे और फिर शायद बी फाइव, पर ब्लैक ने यहाँ पे दूसरा आइडिया यूज किया, उसने खेला बिशप बी थ्री। अब आप देख सकते हो कि पोजीशन एकदम लूजिंग, रुक और बिशप के बीच में का कम्युनिकेशन टूट गया, रुक का बी सिक्स पर से अटैक चला गया, और अब अगर व्हाइट एफ थ्री या कुछ करे तो बी फाइव, और भी आप देखोगे बाय फोर्स बी फोर आ जाएगा, ऐसे में हम दो पॉन्स को बिशप के ऑपोजिट कलर में कर सकते हैं जब हम देखेंगे कि बाय फोर्स जो है दो पॉन्स फिर से उस बिशप के कलर में आ जा रहे। तो यहाँ पे जो था प्रीवियस मूव कोई व्हाइट ने रिजाइन कर दिया क्योंकि आप देख सकते हो कि अभी बी फोर होगा ही, इसके अगेंस्ट कोई डिफेंस ही नहीं है, अगर बिशप हटा भी ले बी एफ सिक्स बी फोर रुक ए वन, अब इस बिशप को हटा लेगा और फिर ए थ्री बिशप के कलर में पॉन्स डालते हुए बाय फोर्स अब देखिए आप इधर बी थ्री और फिर बी टू, इस तरह से देखिए आगे के स्क्वायर्स बिशप से गार्ड होंगे और ये जो पोजीशन है लॉस्ट हो गया, ये रुक देखिए ट्रैप हो गया है वन का, तो इस वजह से व्हाइट प्लेयर ने जो है डिजाइन कर दिया। ये हमारा प्लानिंग का पहला एग्जाम्पल था और एक्स्ट्रा मटेरियल को कन्वर्ट करने का एक छोटा सा टेक्निक बताया मैंने, मुझे उम्मीद है आपको यह लेसन पसंद आएगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।